पिछले वीडियो में हमने इसका डिफिनेशन दिया था, एग्जांपल भी दिया है हमने पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का हमने परिभाषा दिया था। एक बार हमने फिर से इसको रिवीजन करा दे रहे हैं वीडियो में भी, कि बहुपद वो होता है जिसमें दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कोई चर राशि हो, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड के रूप में कोई चर राशि हो, उसके साथ उसकी गुणांक लगा हो। अब गुणांक हमारा पूर्णांक भी हो सकता है, या हमारा कोई परिमेय संख्या भी हो सकती है, या अपरिमेय संख्या भी गुणांक के रूप में हो सकता है। और उसके साथ गणित की मूल संक्रिया, जोड़ घटाना गुणा, ये सब उसके अंदर जब हमारा इंक्लूड हो, समाहित हो, तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे 3x² + 7। तो आप यहाँ पे देखेंगे x मेरा चर राशि हो गया, और 3 इसका क्या हो गया? गुणांक हो गया, और इसके साथ मूल संक्रिया हमारा है योग, तो ये हो गया बहुपद। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है तो 2x² + 5x + 3, इसमें आप देखेंगे 2, 5, ये सभी क्या है? गुणांक के रूप में है। ये पूर्णांक वाले बहुपद है। 2, 3, 5, ये सभी क्या है? 2, 5, 3 पूर्णांक है, पूर्णांक वाले बहुपद है। और हम यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, चलो कि एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3/4x³ + 4/3x² + 7x - 2। अब यहाँ आप देखेंगे 3/4 ये परिमेय संख्या है, 4/3 भी परिमेय संख्या है, x मेरा चर राशि है जो मल्टीप्लाई के रूप में है। यहाँ पे 3/4, 4/3 यहाँ मल्टीप्लाई गुणांक के रूप में हमारा 7 है। और गणित की यहाँ अगर मूल संक्रिया देखें तो यहाँ योग है, और आप यहाँ पे देखेंगे घटाना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई गुणा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये सभी बहुपद हैं, ये पूर्णांक वाले बहुपद हैं, और ये सभी परिमेय संख्या वाले बहुपद हैं। और एक चीज क्लियर करें बहुपद में हम, कि जैसे इसमें दो पद हैं, प्लस के इधर एक है, प्लस के इधर, तो ये द्वि पद वाला बहुपद है। क्या है? ये दो पद वाला बहुपद, तो इसको बोलेंगे दो पदी बहुपद। इसमें आप देखेंगे त्रिपद बहुपद, इसमें एक एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ पे देखोगे तीन टर्म्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, ये त्रिपदी बहुपद है। और इसके साथ में हम एक चीज और क्लियर करें आप लोगों का, घात। तो यहाँ देखेंगे ये दो घात वाला बहुपद है, ये दो घात वाला जो मैक्सिमम घात होता है चर राशि के ऊपर, वही उसको कहलाती है द्विघातीय बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद है। तो ये जो मैक्सिमम घात होता है ये होता है। चलो एक चीज और हम क्लियर करेंगे कि रैखिक शून्यक क्या होता है। तो ये रैखिक शून्यक समझने के लिए आप लोगों को, या रैखिक शून्यक हमें निकालने के लिए, हम एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे अगर एक फंक्शन है, या फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 2x + 5। अब इसका हमको शून्यक ज्ञात करना है, तो अब इसका शून्यक हमने मान लिया k है, तो अब शून्यक k है तो f k इज इक्वल टू 0 से अगर हम देखेंगे तो हमारा 2x + 5 इज इक्वल टू होगा 0, तो 2x इज इक्वल टू आपका क्या होगा? -5। x इक्वल टू क्या होगा? -5/2, यानी कि इस रैखिक बहुपद का ये शून्यक हो गया। x इक्वल टू -5/2 क्या हो गया? ये शून्यक हो गया। एक और एग्जांपल हम समझाते हैं, जैसे देख लो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देते हैं 3x² + 5x + 2। ये जो है द्विघात वाला बहुपद है, 3 × 2 = 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा। चलो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, तो ये आएगा 3x² + 3x + 2x + 2। अब इस दोनों में 3x कॉमन ले लोगे तो ये आएगा 3x + 1, यहाँ 2 कॉमन होगा तो x + 1। x + 1 को एक ब्रैकेट में रखेंगे, और 3x + 2 को हम एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब एक चीज समझो, रैखिक शून्यक निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इज इक्वल टू 0 से निकालेंगे। तो जब x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा? -1, और 3x + 2 इज इक्वल टू 0 है तो 3x इज इक्वल टू -2x = -2/3। यानी कि इसके कितने होंगे? इस व्यंजक के 2 शून्यक होंगे, यानी 2 घात वाले व्यंजक से, यानी 2 घात वाले बहुपद से 2 शून्यक निकलते हैं। ये त्रिघात है तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो इस तरह से हम रैखिक के जो है हम वैल्यू को के हम शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब एक चीज क्लियर हो गया आपका, बहुपद इसमें 2 पदों वाला बहुपद है, ये 1, 2, 3, 4 पदों वाला बहुपद है, और तीसरा आप जो बहुपद की घात भी क्लियर हो गया, और शून्य कैसे निकाला जाता है ये भी आप समझ